कि पूरे देश में आरएसएस बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देते हैं। अब ये सोचते हैं कि लोगों को डराकर धमकाकर उनको दबा देंगे। पूरा देश जानता है, पूरा असम जानता है कि आपके चीफ मिनिस्टर और उनका पूरा परिवार सबसे भ्रष्ट लोग हैं। पूरी की पूरी सरकार, असम की सरकार एक परिवार के लिए चलाई जा रही है और देश की सरकार अदानी जी के लिए चलाई जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा असम की जनता की आवाज की यात्रा है और वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ना राहुल गांधी ना असम की जनता आपके चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। पिछले साल हमने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की थी। इसके दो तीन कारण थे। एक कारण था कि पूरे देश में आरएसएस बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देते हैं। करते क्यों हैं? क्या ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं? लक्ष्य सिर्फ एक है कि आपका जो धन है वो आपसे छीन कर उनके जेब में चला जाए। इसीलिए हमने भारत यात्रा की, किलोमीटर चले, किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं और बहनों से मिले। युवाओं ने हमें कहा कि राहुल जी, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। हम डिग्री ले लेते हैं, कॉलेज में पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं, स्कूल में पढ़ लेते हैं, मगर आज के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। ये बात सही है, गलत है? किसानों ने कहा हमारे को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, सही पैसा नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलता। हम अपना पूरा खून पसीना लगा देते हैं, जान निकल जाती है और फिर चाहे वो धान हो, गेहूं हो, उसका हमें सही पैसा नहीं मिलता। ये हमने मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक उठाए। महंगाई का मुद्दा उठाया तो लोगों ने हमें कहा कि देखिए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तो आप चल लिए, मगर असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ओडिशा, यहां तो आप चले नहीं, यहां तो आप गए नहीं। और उन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको एक और यात्रा करनी चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, जो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो और महाराष्ट्र तक जाए। और हमने ये बात स्वीकार की और इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हुआ हूं कि असम के युवाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप युवा जो हैं, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, जेब से आप पैसा देते हो, लाखों रुपए लग जाते हैं और फिर जब आप पास हो जाते हो फिर आपको पता लगता है कि असम में हमें रोजगार नहीं मिल सकता। सही बात है? किसानों को सही दाम नहीं मिलता, छोटे दुकानदार जो हैं,
स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग जो हैं उनको नोटबंदी और जीएसटी से मार दिया। नोटबंदी से यहां किसी को फायदा हुआ? जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? आप जानते हो जीएसटी से किसको फायदा होता है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े दो तीन उद्योगपतियों का फायदा होता है ये। तो पूरी की पूरी सरकार, असम की सरकार एक परिवार के लिए चलाई जा रही है और देश की सरकार अदानी जी के लिए चलाई जा रही है। और आप देखते रह जा रहे हो, आपको ना रोजगार मिलता है, महंगाई बढ़ती जाती है, किसानों को सही दाम नहीं मिलता, इसलिए हमने ये यात्रा यहां शुरू की है। अब आप जानते हो असम में क्या हो रहा है, आप जानते हो हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, क्या नाम है उसका? तो पूरा देश जानता है, पूरा असम जानता है कि आपके चीफ मिनिस्टर और उनका पूरा परिवार सबसे भ्रष्ट लोग हैं। अब ये सोचते हैं कि लोगों को डराकर, धमकाकर उनको दबा देंगे, जैसे यात्रा में कभी हमारा परमिशन काट देते हैं, कभी लोगों को आने नहीं देते हैं, कभी हमारे झंडे जला देते हैं, हमारी होर्डिंग्स गिरा देते हैं। मगर इनको बात समझ नहीं आ रही है, ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा असम की जनता की आवाज की यात्रा है। और वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं, ना राहुल गांधी ना असम की जनता आपके चीफ मिनिस्टर से डरते हैं।